प्रणाम पिताजी। किरण जी, हो युवराज, कहाँ जाने की तैयारी की? शिकार को जाना चाहता हूँ पिताजी। आज्ञा। आज्ञा और आशीर्वाद दोनों, किंतु याद रहे पिछली पूर्णिमा की तरह लौटने में विलंब न हो। जो आज्ञा। और देखो, अपनी साथियों से दूर न हो जाना, हमें चिंता हो जाती है। चिंता न कीजिए पिताजी, गंगाधर मेरे साथ थे। रक्षा। जी महाराज। कुमार को मंगल तिलक करो। जो आज्ञा। और मंत्रीश्वर। जी महाराज। मार्ग में आवश्यक प्रबंध करवा दीजिए ताकि कुमार को कोई कष्ट न हो। जो आज्ञा महाराज। हम मार्ग भूल गए हैं, आज की रात आश्रय मिल सकेगा? क्यों देवी, भगवान के संसार में सभी आश्रय ले रहे हैं, तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा? आओ भीतर आ जाओ। वृंदा जी, अतिथि के लिए भोजन का प्रबंध करो। नहीं नहीं, कष्ट न कीजिए, हमें भूख नहीं है। फिर भी आपकी बात कैसे टाल सकते हैं, जो कुछ होगा खा लेंगे। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। किंतु पहले बदलने के लिए कुछ वस्त्र चाहिए। आइए। बाबा के कपड़े हैं, इनसे काम चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मीठी साजना से होगी मन की बात रे, होगी मन की बात रे।
गोरी गोरी चांदनी हो, गोरी गोरी चांदनी और पूनम की रात रे मीठी मीठी हो, मीठी मीठी साजना से होगी मन की बात रे, होगी मन की बात रे। करके सिंगार हो, करके सिंगार आज उनको दिखाऊंगी, उड़ के चुनरिया सजन घर जाऊंगी, सजन घर जाऊंगी, सजन घर जाऊंगी, मेहंदी से लाल लाल, मेहंदी से लाल लाल होंगी मेरे हाथ रे मीठी मीठी हो, मीठी मीठी साजना से होगी मन की बात रे, होगी मन की बात रे। गोरी गोरी चांदनी हो, गोरी गोरी चांदनी और पूनम की रात रे मीठी मीठी हो, मीठी मीठी साजना से होंगी मन की बात रे, होंगी मन की बात रे। नींद नहीं आती महाराज? नींद कैसे आए गंगा जी, तन का पिंजरा यहाँ पड़ा है, मन है उसके पास। हाँ युवराज, आप यहाँ चंद्रमा को देख रहे हैं और वहाँ तारामती जी तारे गिन रही होंगी। हाँ तारामती, वो बेचारी व्याकुलता के साथ मेरी राह देख रही है। इसकी चिंता आप न करें युवराज, राह देखने से और विरह की वेदना से प्रेम का रंग पकता है। प्रेम पुराण में लिखा है, राह तकत नय ना तकत तकत प्रेम पक जाए, और पकता 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 कुछ ऐसे ही लिखा है युवराज। गुरुदेव पूजा में बैठे हैं, इसका ध्यान रखो। अरे भूल युवराज, आप तो सो जाइए। भूदेव की पूजा पूरी हो गई। कौन? मैं गोपाल हूं भूदेव। आज मेरे पुत्र की वर्षगांठ है, आपकी आज्ञा अनुसार मैं फिर आया। कृपा करके इसका भविष्य बताइए प्रभु। गोपाल हट क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें गए वर्ष सब कुछ समझा कर लौटा दिया था। हाँ प्रभु, पर इस बार मैं नहीं जाऊंगा, भगवान ने मुझे इस अवस्था में पुत्र दिया। देखूं तो सही भाग में क्या लेख लिखा कर आया है। मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया था गोपाल कि संसार में किसी भी पिता को अपने पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जानते हो क्यों? सुख की हजार आशाओं में मिली हुई दुख की एक ही चिंगारी पिता के हृदय में दावानल जगा देती है। कोई भी पिता अपने पुत्र का दुख नहीं सहन कर सकता, इसीलिए स्वजनों के सम्मुख मैं किसी का भविष्य वेद नहीं खोलना चाहता। फिर भी आप मुझे निराश नहीं करेंगे भूदेव, हृदय में कितनी आशाएं लिए मैं हर वर्ष गांठ पर आपके पास आता हूँ और आपकी आज्ञा मानकर लौट जाता हूँ। इसी प्रकार 10 वर्ष बीत गए, आज तो मेरी आशा पूरी कीजिए भूलिए। जय श्री प्रभु की आज्ञा और तुम्हारी इच्छा। आओ बैठो, जब तुम्हारा आग्रह है इस बालक की हस्तरेखा में पढ़ूंगा, किंतु पुत्र का भविष्य सुनने के लिए जैसा पिता को चाहिए वैसा ही कठोर हृदय करके सुनना, सुख में शांति और दुख में धीरज रखना। हाँ लाओ बालक का दाहिना हाथ मेरे हाथ में दो। हरिओम तत्सत। भाग्य लेख की रेख, कोई आगे कोई पीछे,
कोई ऊंची कोई नीची, जगत में जन्म लिया माता पिता को आनंद देने के लिए, रूप गुण में उत्तम, कार्य में कारीगर, किसी के ऊपर निर्भर न रहने वाला, स्वाभिमानी, स्वमान प्रिय, प्रतापी, पिता का नाम उज्जवल करने वाला, माता की कोख यशस्वी बनाने वाला सुपुत्र, गोपाल अब रहने दो। नहीं प्रभु, जब पुत्र का भाग इतना तेजस्वी है तो फिर पूरा ही बता दीजिए। पूरा पूरा ही सुनना चाहते हो? अच्छा तो सुनो, पत्थर का हृदय करके सुनो। तुम्हारा पुत्र जगत की जीवन लीला 20 वर्ष में संपूर्ण करके आज से 11वीं वर्ष गांठ पर माता पिता से मुंह मोड़कर संसार यात्रा समाप्त करके चल बसे। तुम्हारा दुराग्रह पूरा किया मैंने। भगवान तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का कल्याण करे। वृंदा, कल वाले अतिथि गए? हम अभी यही हैं ब्राह्मण देवता, आपको एक कष्ट और देना चाहता हूँ। अतिथि की इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, कहो। आज का प्रसंग देखकर मैं बहुत उत्सुक हो रहा हूँ, मेरा भविष्य भी बताइए। नहीं 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 अतिथि, भविष्य का बुरा फल सुनकर लोग किस प्रकार कांप उठते हैं ये तो तुमने अभी ही देखा होगा। हाँ महाराज, किंतु मैं क्षत्रिय हूँ, सहन करने की शक्ति मुझ में है। नहीं नहीं, फिर भी आप वचन दे चुके हैं महाराज। धर्म बंधन। अच्छा जैसी प्रभु की इच्छा। सच्चिदानंद, आपने अपना परिचय मुझसे छिपाया है। हाथ की रेखाएं कहती है आप कोई साधारण पुरुष नहीं, कुलवंत राजवंशीय है, राजवीर महाप्रतापी, आर्यावर्त के चक्रवर्ती नरेश, सम्राटों के सम्राट होंगे, रूप गुण और पराक्रम में पूर्ण होंगे, सारे देश में आपकी कीर्ति ध्वजा फहरा उठेगी, प्रतिष्ठा ऐसी फैलेगी कि स्वर्ग के देवगण भी ईर्ष्या करने लगेंगे। अब खुल रहे हैं प्रतिष्ठा के पिछले भेदी द्वार, अंधकार, घोर अंधकार, भयानक अंधकार। राजपाट चला जाएगा, भाग्य लक्ष्मी रूठ जाएगी, राजलक्ष्मी विलीन हो जाएगी, परिवार सहित घर छोड़ना पड़ेगा, निर्धनता की पराकाष्ठा हो जाएगी और अपनी आंखों के सामने अपने ही हाथों से अपने पुत्र परिवार को नगर के चौक में बेचना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता, ये क्या कहती आपने?
अंत में आपको सूत्र की सेवा करनी पड़ेगी। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गर्गध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम। राजकुमारी जी, क्या वो आप कौन थे? आप कहाँ है? लता कुंज में। राजकुमारी क्या हो गया, आए क्यों नहीं? कुछ ऐसी ही बात हो गई थी। राजकुमार, पूनम की रात भूल तो नहीं गए? तुम्हें आते इतनी पड़ी विलंब के लिए क्षमा। रात खाने वाले, रात देखने वाले की व्याकुलता क्या जाने। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। राजकुमारी चकोरी चांद की रात देखते देखते थक गई। क्षमा करो राजकुमारी, मार्ग में हमें एक भयानक आंधी ने घेर दिया, बरसात बैरन हो गई। किंतु मेरे हृदय की आंधी और इन नैनों की बरसात आपको खींच ही लगी। अच्छा ये तो बताइए, आश्रय कहाँ मिला? आश्रय तो मार्ग में मिल गया, किंतु साथ साथ जीवन में एक नई आंधी उठ खड़ी थी, हृदय में एक नई ज्वाला लहक उठी। शांति की एक भी किरण कहीं दिखाई नहीं देती देवी। ये सब तुम्हें कहकर मैं दुखी नहीं करना चाहता। कहिए ना। तारा, धैर्य से सोच समझकर मेरी एक बात का उत्तर लो। यदि ही मिले ही होते या मिलकर भी एक दूसरे के इतने निकट न आए होते तो क्या होता? जो भाग्य में लिखा होगा। और अगर मैं ये कहूं कि अपने इस मिलन को, अपने जीवन की एकता को एक घटना, एक स्वप्न समझकर सदा सदा के लिए भूल जाओ, मुझे भी भूल जाओ तारा, तो पृथ्वी पर से एक जीव कम हो जाएगा और क्या होगा? फिर भी इतना तो बताइए, अयोध्या के राजकुमार अपने पिता की आज्ञा पालन कर रहे हैं या उन्हें तारामती में कोई दोष दिखाई दे रहा है? दोष? तुमने दोष देखने वाली इन आंखों को मैं फोड़कर फेंक सकता हूं, पर होनहार को नहीं रोक सकता। मैं आज ही एक विद्वान ब्राह्मण के मुंह से ये भविष्यवाणी सुनकर आया हूं कि मुझसे विवाह करने वाली स्त्री सुखी नहीं रह सकती, सुखी नहीं रह सकती। स्त्री का सुख पति के चरणों में ही होता है। मेरा सुख और दुख तो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ जुड़ा हुआ है। तारा, ये कौन है? महाराज, एक अनजान युवक देवार कूद कर राजकुमारी के बागीचे में गया है, किंतु उसका यह साथी पकड़ लिया गया है। झूठ महाराज, बिल्कुल झूठ। ये लोग कुछ नहीं समझते, बाला दूर रखो। राजकुमारी क्या हुआ लता? युवराज का साथी पकड़ा गया है और महाराज इधर आ रहे हैं। अब क्या होगा? इसमें घबराने की क्या बात है राजकुमारी? सैनिक, इसे साथ ले आ। इसे साथ लिया? बंधु बंधु बंधु, इस तीक्ष्ण भाले को मेरे शरीर से दूर ही रखो, मैं स्वयं चलता हूँ। बंधु क्या लता मंडप है? बाला दूर को। कहाँ है वही युवक? आज्ञा राजन, मैं यही हूँ। पिताजी, ये अयोध्या के राजकुमार, राजकुमार हरिश्चंद्र। अयोध्या के राजकुमार हरिश्चंद्र ने चोरी से स्त्रियों के उद्यान में आना कब से सीखा? समस्या विचित्र है राजन, चोरी का माल लौटाने के लिए आया हुआ मनुष्य भी
चोर समझा जाता है। आप मुझे अपराधी समझते हैं, जो चाहे दंड दे सहन कर लूंगा, पर आप मेरे स्वाभिमान पर आघात करने का प्रयत्न न करें। सैनिकों, पिताजी, आप ठीक कहते हैं कुमार, पर यदि आप तारामती को स्वीकार नहीं करेंगे तो मिथिला नरेश की कीर्ति को कलंक लग जाएगा। क्या राजघराने की मर्यादा आप नहीं जानते? जानता हूं राजन, किंतु आने वाले दुखों से तारामती को बचाने के लिए ही ऐसा कह रहा हूं। और यदि तारामती हरिश्चंद्र के चरणों में ही रहना चाहे तो? आपकी इच्छा मेरी इच्छा होगी। तो मेरी केवल एक इच्छा है। आज्ञा। यहां से जाने के पहले तारामती को अपनी पत्नी बनाइए, ये मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी। मुझे स्वीकार है। कुमार का कहीं पता न लगा ये कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? याद रहे, कुमार पर कोई विघ्न आया तो मैं तुम्हें कठोर से कठोर दंड दूंगा। महाराज की जय हो, युवराज राजमहल में पधार गए हैं। कहाँ है, कहाँ है? कुमार कुशल तो है? कुशल है महाराज, किंतु आते ही अपने सेनागार में चले गए, बहुत थके हुए मालूम होते थे। अच्छा, आराम करने दो। युवराज, भोजन के लिए महाराज आपको बुला रहे हैं। कह दो हमें भोजन की इच्छा नहीं है। गंगा सर, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। आज्ञा महाराज। ये बताओ कि इस बार शिकार में ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण कुमार का मन अशांत रहता है, न राज्यसभा में आते हैं न कहीं बाहर जाते हैं? क्षमा कीजिए महाराज, घटना बड़ी विकट हुई है और उसे गुप्त रखने की मुझे आज्ञा है। और मैं जानना चाहूं तो मैं कहूंगा महाराज, अवश्य कहूंगा, परंतु मैं अभय वचन देता हूं, निर्भय होकर कहो। तो सुनिए महाराज, बात ऐसी है कि कुमार बहुत दिनों से मिथिला की राजकुमारी तारामती से प्रेम करते हैं और हर महीने की पूर्णिमा को शिकार के बहाने उनसे मिलने जाया करते हैं। परंतु इस बार मार्ग में अचानक आंधी और बरसात के कारण हमें ब्राह्मण देवता के घर आश्रय लेना पड़ा। अच्छा हुआ। अच्छा क्या मेरा सर हुआ महाराज, वो ब्राह्मण अंधा होते हुए भी त्रिकालदर्शी निकला। उसने युवराज की हस्तरेखा देखकर सारा भविष्य बता दिया। कहा होगा कि तारामती के साथ ब्याह होना तुम्हारे भाग में नहीं? नहीं महाराज नहीं, इतना ही कहा होता तो कोई बात न थी, परंतु उसने तो कहा कि तुम संसार के महान चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और तारामती के पति भी बनोगे, परंतु जिस समय ग्रह दशा का उल्टा चक्कर चलेगा तो तुम्हारा राजपाट सब छिन जाएगा, तुम्हारी पत्नी परिवार तुम्हारी ही नजरों के सामने बिक जाएगी और तुम्हें शूद्र की सेवा करनी पड़ेगी। बस महाराज, ये सुनकर युवराज बड़े दुखी हुए, यहां तक कि तारामती को भी कहने गए कि तुम मुझे भूल जाओ और किसी दूसरे से ब्याह करके सुखी रहो। परंतु मिथिला नरेश को जब यह पता चला तो कुमार को गंधर्व विवाह करके ही लौटना पड़ा। मुझे क्षमा करें महाराज, जो हुआ तो कहा, इसमें मेरा क्या दोष? दोष किसी का भी नहीं। क्षत्रिय का बालक ब्याह करके घर आए, इसमें लजाने या डरने की कौन सी बात है? मिथिला की राजकन्या और अयोध्या के राजकुमार, ये संबंध तो रघुकुल की शोभा है। महामंत्री। आज्ञा महाराज। बड़े आदर और स्वागत के साथ तारामती को लिवा लाने का आमंत्रण भिजवाओ, मिथिला नरेश को हमारा अभिनंदन कहलवाओ। जो आज्ञा महाराज। और वे अंधे ब्राह्मण देवता कोई शक्तिशाली पुरुष जान पड़ते हैं, गंगाधर से पता पूछकर उन्हें भी हमारा आमंत्रण भिजवाओ। बहुत अच्छा महाराज। अच्छा जाओ गंगाधर। आज्ञा महाराज। युवराज से जाकर कहो ब्याह के बाद पिता को प्रणाम करके आशीर्वाद तो ले।
हमने सब कुछ क्षमा कर दिया है। जो आज्ञा महाराज। युवराज, राजलक्ष्मी की सवारी आ पहुंची। हाँ, आ पहुंची। होनहार आरंभ हो गया। अब इन बातों को भूलकर राजकाज और घर संसार में मन लगाइए युवराज। ठीक कहते हो गंगाधर, नववधू से उदास रहकर भाग्य थोड़ा ही बदला जा सकता। चलो धूमधाम से उसका स्वागत करें। चलो परिवार सहित घर छोड़ना पड़ेगा, निर्धनता की पराकाष्ठा हो जाएगी। अपनी आंखों के सामने अपने ही हाथों से अपने पुत्र परिवार को नगर के चौक में बेचना पड़ेगा। कथा सजनी नैनों से कहना, भंवरा कली रहे साथ रे, ओ तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है, तेरी मेरी प्रीत है। तू चंदा मैं चांदनी,
ब्राह्मण देवता, मैं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे राज में आप जैसे विद्वान पुरुष रहते हैं। आपकी विद्या के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। आज्ञा कीजिए महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं युवराज का भविष्य जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे और मेरी प्रजा को बताइए कि युवराज का भाग्य लेख कैसा बलवान है। क्षमा कीजिए महाराज, आप अयोध्यापति होने के साथ साथ युवराज के पिता भी हैं, और जगत में किसी भी पिता को अपने पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कारण? पिता का प्रेम और भावी दुख की कल्पना। इसकी चिंता आप न करें भूदेव, मैं अपनी इच्छा का पालन चाहता हूँ। दुराग्रह को भी यदि राज इच्छा समझने की आज्ञा है तो मुझे यह शिरोधार्य है। मैं युवराज की भाग्य रेखा पढ़ने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। लाइए युवराज का दाहिना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, ये हाथ मेरा देखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इस भरी सभा में। मैं जानता हूं भूदेव, और ये भी जानता हूं कि आपकी भविष्यवाणी ने ही युवराज को उदासीन बना दिया। मैं चाहता हूं कि युवराज के मन का ये भ्रम आज ही दूर हो जाए। भाग्य लेख की रेख को हम समझने की भूल न कीजिए महाराज। घड़ी भर किसी को प्रसन्न करने के लिए मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। क्षमा कीजिए। तो क्या कुमार के भविष्य के बारे में आप सचमुच अटल हैं? पर्वत की तरह। इसकी सच्चाई सिद्ध कर सकते हैं आप? ये तो समय सिद्ध करेगा। सिंहासन की शक्ति या पिता का प्रेम कोई भी होनी को नहीं रोक सकता। और यदि आपका वचन झूठ ना तो मैं महाराज के चरणों में अपना प्राण अर्पित कर दूंगा। तो मेरी भी आज्ञा सुन लीजिए भूदेव, यदि आपका वचन सच हुआ तो सदा के लिए इक्ष्वाकु कुल के राजपुरोहित का पद आपको मिलेगा। किंतु इसके सिद्ध होने तक आपको अयोध्या के कारागार में ही प्रभु भजन करना होगा। महाराज, मेरा निश्चय बदलने का प्रयत्न कोई न करे। मुझ जैसे अंधे ब्राह्मण के लिए कारागार भी महल ही है महाराज। किंतु बात सत्य की कसौटी की है, इसके लिए मैं तैयार हूं। महामंत्री, हमारी आज्ञा का पालन हो। सैनिक, जैसी प्रभु की इच्छा, किंतु मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन महाराज को इस आज्ञा के लिए पश्चाताप करना ही पड़ेगा। महामंत्री, मेरी कल्पना में भी न था इतना सुख आज मुझे मिला है। अब तो युवराज भी भविष्य का डर भूल गए हैं। हाँ महाराज, भगवान की कृपा से वे सब कुछ भूलकर आनंद सागर में गोते लगा रहे। मेरी भी यही इच्छा हो रही है कि पुत्र के घर पुत्र आ जाए, राजपाट का भार युवराज पर छोड़कर शांति से जीवन बिता दूं। महाराज का बड़ा भाग्य। इतना बड़ा भाग पाकर तो मनुष्य पागल हो जाए। महामंत्री, पागल हो जाए वो अंधा ब्राह्मण। युवराज को भरमाकर धन लूटने का विचार करता था, वो आज कारागार में सड़ रहा है।
बाकी युवराज और सुतार का लड़का दोनों ही मौज कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक याद दिलाई महामंत्री, ऐसा प्रबंध करो कि उस सुतार के लड़के का समाचार हर तीसरे महीने मुझे मिलता रहे। ये क्या है महामंत्री? महाराज 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 बधाई महाराज बधाई, देवी तारामती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, शुभ मुहूर्त पे शुभ घड़ी में, जैसे धरती पे चंद्रमा। वाह वाह महामंत्री, गंगाधर को मुंह मांगा इनाम दो। महाराज राजभर में उत्सव मनवाओ, घर घर में मिठाइयां बंटवाओ। पुत्र के घर पुत्र, और क्या चाहिए?
लावो आज आंखें ना चुराओ आज साजन के संग संग नाचो सजनिया साजन के साजन के संग संग नाचो सजनिया खुशियां मनाओ आज दीपक जलाओ आज साजन के संग संग नाचो सजनिया साजन के साजन के संग संग नाचो सजनिया आओ, आओ। तारे, अपना पुत्र कैसा होगा? ये तो इसकी कुंडली बनवाई जाए तब समझ पड़े। नहीं नहीं, मैं कुमार की कुंडली नहीं बनवाऊंगा। मैं कुमार की कुंडली नहीं बनवाऊंगा। किसी भी पिता को पुत्र का भविष्य जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये अचानक आपको क्या हो जाता है ना? रह रहकर किन विचारों में आप उलझ जाया करते हैं? अच्छा, जाने दीजिए, बैठे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कुमार का नाम मैं ही रख देती हूँ। क्या? ना, रोहित। कहिए कैसा नाम हुआ? रोहित, रोहिताश्व। बता लेना। सुंदर। चलाओ बाल। वाह कुमार वाह, क्या बात है। तो बचपन से इतने अच्छे निशान लगाते हो तो बड़े होकर न जाने कैसे निशान लगाओगे। आज जैसे कि धनुष प्राण में लिखा है कि बाण चलत निशान लगत घायल हो तो मर जात। अब आगे भूल गया कुमार, याद करके बताऊंगा। वाह रोहित, तुम तो बाण विद्या में अभी से निपुण हो गए। ये तो कुछ नहीं है पिताजी, आप कहिए तो गंगा तट के कान के कुंडल उड़ा दो, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। मेरे कान के कुंडल? वाह कुमार वाह, कोई और नहीं मिला आपको? भगवान न करे कहीं निशाना चूक गया और बाण गले के पार हो गया तो। घबराओ मत गंगाधर, मैं तुम्हारा बाजी बाका नहीं होने दूंगा। ना ना ना, ऐसी चतुराई किसी और पे कीजिए कुमार, मुझे तो क्षमा ही कर दो कृपा निधान। कायर मत बनो गंगाधर, चलो सामने खड़े हो जाओ, देखे कुमार कैसा निशाना लगाते हैं। हाँ कीजिए कीजिए, बलि का बकरा जो मिल गया है जो मन में आए कीजिए। डर गए? मृत्यु को सामने खड़ी देखकर भी ना डरूं? कुमार अब देर न कीजिए, निशाना लगाइए, जो कुछ होना हो शीघ्र ही हो जाए। हे मेरे प्रेम के भूखे भगवान, कम से कम माधवी के लिए इस गदाधर की नहीं गंगाधर की रक्षा करो। भगवान भगवान प्रभु। मर गया। रक्तपात, ब्रह्महत्या, मेरे मान में से कान निकालिए। नहीं नहीं, कान में से बाहर निकालिए। महाराज मैं मर गया। महाराज मेरे कान में से बाहर निकालिए, कान में से बाहर। अरे तुम्हें कुछ नहीं हुआ है गंगाधर, केवल तुम्हारे कान का कुंडल उड़ गया। कुंडल? कुंडल? वाह कुमार वाह, क्या कुंडल उड़ाया है। वाह वाह। जाओ कुमार, महाराज से आशीर्वाद ले लो। महाराज कुंडल? दादाजी, मैं बाण विद्या में सफल हो गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सदा सफल हो बेटा, मुझे आगे भी तुमसे ऐसी ही आशा है। महाराज, महामंत्री कोई आवश्यक समाचार सुनाने आ रहे हैं। आने दो। महाराज, उस बंदी ब्राह्मण की भविष्यवाणी सच्ची निकली। उस सुतार के लड़के की ठीक 21वीं वर्षगांठ पर अकाल मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई? ये तुमने क्या कहा महामंत्री? सुतार के लड़के की मृत्यु हो गई? हमारा ब्राह्मण की सच्चाई पर मुझे संदेह था, पर यह समाचार सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो चला कि उनकी एक एक बात सच्ची निकलेगी, एक एक बात सच्ची निकलेगी। वज्रपात, वज्रपात महामंत्री, वज्रपात।
हरिश्चंद्र बेटा बलवान मनवा होनहार बलवान होनहार बलवान मनवा होनहार बलवान पल में राजा होए भिखारी पल में राजा होए भिखारी निर्धन हो धनवान विधि का लेख कभी ना मेटे मूर्ख करे गुमान रे मनवा होनहार बलवान रे मनवा होनहार बलवान होनहार बलवान रे मनवा होनहार बलवान कहीं पर धूप कहीं अंधियारा कहीं पर धूप कहीं अंधियारा कर्म अधीन विश्व है सारा कर्म अधीन विश्व है सारा जड़ चेतन मुनि मानव दानव जड़ चेतन मुनि मानव दानव विधि का यही विधान रे मनवा होनहार बलवान रे मनवा होनहार बलवान होनहार बलवान रे मनवा होनहार बलवान भाग अधीन भटकते हैं ये सूरज चांद सितारे कर्म योग से ही चलते हैं दुनिया के क्रम सारे कर्म अधीन बदलते रहते कर्म अधीन बदलते रहते हैं युग युग भगवान रे मनवा होनहार बलवान रे मनवा होनहार बलवान 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 प्रणाम ब्राह्मण देवता कौन मैं हरिश्चंद्र अयोध्यापति पधारिए पधारिए राज्याभिषेक हो गया हाँ प्रभु इतनी रात गए इस ब्राह्मण को कैसे याद किया जीवन का एक गंभीर प्रश्न पूछने आया हूँ कहिए आप तो जानते ही हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है हाँ। और आप मेरे लिए इतने वर्षों से कारावास की यातना भोग रहे हैं ये अब मैं नहीं सहन कर सकता मेरी चिंता न कीजिए राजन मैं नहीं चाहता कि आपके हाथों कारावास से मुक्ति पाकर आपके पिता को दिए हुए वचन भंग करूं और सत्य का साथ छोड़ दूं। कहिए राजन और कोई प्रश्न है जब से आपने मेरा भविष्य बताया हृदय को शांति नहीं तारामती से मेरा विवाह हुआ भगवान की कृपा से एक पुत्र रत्न भी हुआ अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर राज का भार संभाल रहा हूं फिर भी शांति नहीं कोई ऐसा उपाय नहीं
कि भावी अंधकार से अपने परिवार को बचा सके। राजन, होनी यदि अनोनी हो जाए तो उसे होनी कौन कहे। भाग का लिखा तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ये तो मैं जानता हूं देव, किंतु जब जगत में शाप मिटाने का उपाय होता है, विष उतारने की औषधि होती है, तो भाग्य लेख बदलने का कोई उपाय नहीं। नहीं तो फिर पहले ही भविष्य जान लेने से क्या लाभ। लाभ मनुष्य आने वाली विपत्ति का सामना कर सके, नीति और धर्म के आचरण से दुख सहने की शक्ति पा सके। तो बताइए गुरुदेव, जगत की सर्वश्रेष्ठ नीति और धर्म क्या है। मन वचन कर्म से मैं उसका पालन करूंगा। अपने आचरण से कभी किसी का मन न दुखाना, संसार में इसके समान कोई नीति नहीं। और धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म सत्य है। सर्वदा सत्य के पालन करने वाले का कभी कोई अहित नहीं होता। तो मैं अयोध्यापति राजा हरिश्चंद्र आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से सर्वदा मन वचन कर्म से सत्य का पालन करूंगा, स्वप्न में भी असत्य का आचरण नहीं करूंगा और अपने कार्य से कभी किसी का मन नहीं दुखाऊंगा। तो सदा आपकी जय होगी राजन, मेरा आशीर्वाद है। देवराजेंद्र का सिंहासन डोलने क्यों लगा? किसी ने तब तो नहीं आरंभ कर दिया या किसी महायज्ञ का प्रताप है? ये तो महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य वचन का महाव्रत लिया है, उसका प्रभाव है। वाह, धन्य है वो राजा। बिना समझे मुझे धन्यवाद न दीजिए देवराज। सत्य वचन के संकल्प मात्र से ही कुछ नहीं होता। ये संकल्प नहीं, प्रतिज्ञा है ऋषिराज। और सत्य क्या है ये आप जानते हैं। इसके पुण्य के आगे सहस्रों वर्ष की तपस्या कुछ नहीं। लीजिए, इक्ष्वाकु कुल के गुरु बोल उठे। तो यही कहिए ना कि देवराज इंद्र का सिंहासन अब आपके उस सत्यवादी को मिलने वाला है। क्रोध न कीजिए राजर्षि, सत्य तो यह है कि सत्य को स्वीकार करने से आपका अहंकार आपको रोकता है। कारण वो मेरे शिष्य कुल का कुलदीपक है, महर्षि वशिष्ठ। पधारिए पधारिए मुनिराज, इस वातावरण में आप ही की कमी थी। आपके बिना राजर्षि और महर्षि का क्रोध शांत नहीं होता। क्रोध? देवताओं की सभा में क्रोध, और वो भी ऋषि मुनियों के आचरण में? नारायण नारायण, शांत होइए और न्याय से इस मतभेद का निवारण कीजिए। मतभेद का निवारण, और वो भी वशिष्ठ के साथ? मुझे देखना है कि सत्य धर्म का व्रत लेकर इनका हरिश्चंद्र कौन सी सिद्धि पाता है। ओहो, तो प्रसंग राजा हरिश्चंद्र का है। मैं भी अयोध्या से ही आ रहा हूँ, क्या बताऊँ, न्याय नीति उदारता में हरिश्चंद्र का जोर है। इस पर उनके सत्य धर्म की प्रतिज्ञा। बहुत हुआ मुनिराज, बातें बढ़ा के कहने की तो आपकी टेव है। इसी भय से तो कम कह रहा हूँ, नहीं तो मैं तो उस पर पुराण लिख दूँ उसके सत्य पर। सृष्टि का धर्म तो हम जैसे ऋषि मुनियों के तपोबल पर टिकता है। परीक्षा न हो तब तक ऐसे सत्यवादी अनेक बने मिलेंगे। तो इस परीक्षा के लिए आपको मेरा आमंत्रण है राजर्षि। अग्नि में घी न डालिए महर्षि। नहीं तो क्या कर सकते हैं विश्वामित्र, क्या कर सकते हैं देखना है। मेरी शक्ति की परीक्षा करना चाहते हैं तो सुनिए। देवगण, देवर्षि और धर्मराज, मैं आप सबके सामने हरिश्चंद्र का सत्य धर्म खंडन करने की प्रतिज्ञा करता हूं। और ये प्रतिज्ञा पूरी न हुई तो मैं सहस्रों वर्ष की अपनी तपस्या का पुण्य उसके चरणों में अर्पित करके हार मान लूंगा। नारायण नारायण। देवराज, ऐसा न समझिए कि ये झगड़ा मैंने केवल अपने ही लिए मोल लिया है। इंद्रासन की रक्षा का स्वार्थ भी इसके साथ है। समझता हूँ ऋषिराज,
मैं चाहता हूँ कि देवलोक से हरिश्चंद्र को किसी प्रकार की भी सहायता न मिले। अवश्य, और आपकी सफलता के लिए हर प्रकार से देवगण आपका साथ दें, ये भी कह देता हूँ। हाँ, और चुप क्यों हो गए? निसंकोच होकर कहिए। अप्सराओं की रानी रंभा हरिश्चंद्र को मोहित करके मेरा काम सरल करे। देवराज की अप्सरा पर हरिश्चंद्र मोहित हो जाए, ये हो सकता है, परंतु एक मनुष्य को सत्य धर्म से डिगाने में मोहिनी का क्या काम? देवराज, काम और क्रोध ही मनुष्य के पतन का पहला कारण हुआ है। हरिश्चंद्र को प्रलोभित करने के बाद उसके धर्म का पतन निश्चित है, इसलिए रंभा को चाहिए पहले स्वप्न अवस्था में ही हरिश्चंद्र पर अपना प्रभाव डाले। ठीक, आज ही मैं रंभा को आज्ञा देता हूं। तो विश्वामित्र की विजय भी आरंभ हो गई। हम तुम्हारी कला से प्रसन्न हुए। हमारे अधिकार की कोई भी वस्तु मांग सकती हो, हम देने को तैयार हैं। महाराज, पति के रूप में आपको ही मांगती हूँ। नर्तकी, ये तुमने क्या मांगा? आपने कहा और मैंने मांगा। महाराज, देना है तो दीजिए, नहीं तो अपना वचन वापस ले लीजिए, मैं चली जाती हूँ। नर्तकी, तुमने ये नहीं सोचा कि हमने अपने अधिकार की वस्तु देने को कहा है, और जो कुछ तुमने मांगा है उस पर हमारा नहीं, रानी तारामती का अधिकार है। तो क्या महाराज हरिश्चंद्र मिथ्यावादी हो रहे हैं? हरिश्चंद्र को मिथ्यावादी कहने वाली जीभ यदि नारी की न होती तो कटवाकर धरती पर डाल दी गई होती। और तुम्हारी मांगी हुई वस्तु यदि हमारे अधिकार में होती
तो तुम्हें अवश्य मिल गई होती। महाराज हरिश्चंद्र की जय। मार्ग में जाते जाते सुना कि कोई एक नर्तकी महाराज की मर्यादा लूटने पर तुली हुई है। कौतूहल से चला आया, कहिए बात क्या है? बात यह है कि महाराज अपने वचन के अनुसार मुझे अपनी महारानी बनाए या अपना वचन वापस लेकर मिथ्यावादी बने। पर हमने अपने अधिकार की वस्तु मांगने को कहा था। नर्तकी, तुम महाराज के वचन का मोल नहीं समझ रही हो। महाराज की पत्नी होने के बदले यदि अयोध्या का राजपाट मांग लिया होता तो मिल जाता। रहने दीजिए ये सब बातें, राजपाट यूं दे देना सहज नहीं है। विश्वास ना हो तो आप ही मांग कर देखिए ना। क्यों महाराज? मैं समझ गया महात्मा, जो न चाहिए था वो मैंने किया। वैभव और विलास मनुष्य को हर संकट में लापटकते हैं, इसलिए प्राश्चित के रूप में मैं ये राजपाट आपको सौंपता हूँ। नहीं, 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 नहीं हो सकता। अयोध्या के राज सिंहासन पर अयोध्या की प्रजा का भी अधिकार है। नहीं, 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 नहीं हो सकता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत रहो। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम घबराते क्यों जाग उठे? क्या कुछ बुरा सपना देखा? बुरा नहीं, नहीं, बहुत सुंदर सपना देखा। मैंने अपना सर्वस्व एक महामुनि को दान कर दिया। बहुत कुछ सोचने पर भी याद नहीं आता वे कौन थे। रात दिन आप जो दान करने में लगे रहते हैं वो इस सपने में भी दिखाई दिया हो। न जाने क्या था, किंतु मैं अपना राजपाट और सर्वस्व दान करके आज राज सिंहासन से नीचे उतर गया। रानी, चिंता ये है, एक बार स्वप्न में भी जिस वस्तु का दान कर दिया है उसे अपने पास कैसे रख सकूंगा? इतनी चिंता ना कीजिए, सपना सपना ही है, जागृत अवस्था में उसकी चिंता करना व्यर्थ है। ऐसा न कहो तारा, यदि हरिश्चंद्र ये सोचे तो उसके सत्य धर्म की प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। स्वप्न में भी हरिश्चंद्र का दिया हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता। जैसा अच्छा समझिए ना, मैं आपकी अध्यानिनी हूँ, आपकी हर बात मेरे लिए अच्छी होगी। सपनों में दिया हुआ दान जागृत अवस्था में देना ही पड़ेगा, यही आपकी इच्छा है, तो फिर उन महामुनि को खोजकर वचन पूरा कीजिए। हरिश्चंद्र की स्त्री को यही शोभा देता है, किंतु अब रोहित के अधिकार का प्रश्न है और तुम उसकी माँ हो। आप मेरी चिंता न कीजिए पिताजी। वाह रोहित, सच तो है, ये भी सपना भाग्य लिखा कर आया होगा। अब आप सो जाइए, चित्त को शांति मिलेगी। क्या देख रहे हैं महाराज? महामंत्री, भविष्य का आदेश देख रहा हूं। मेरा स्वप्न सत्य हो रहा है। भगवान, आप यहां? आपके दर्शन के लिए राजन, मैं विश्वामित्र आपसे कुछ याचना करने आया हूं। आज्ञा दीजिए, मैं अपना सर्वस्व आज ही स्वप्न में आपको दे चुका हूं। संयोग से आप स्वयं आ गए, मेरा अहोभाग्य। अब ये राजपाट आप ही का है, इसे स्वीकार कीजिए। राजन, कहां राजा हरिश्चंद्र का राज सिंहासन, अब कहां मैं एक तपस्वी विश्वामित्र। अब तपस्वी विश्वामित्र नहीं, महाराज विश्वामित्र कहिए ऋषिराज। किंतु ऐसे महादान को स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं। पर महाराज, दिए हुए दान को वापस लेना भी तो मेरे लिए उचित नहीं। तो क्या महाराज हरिश्चंद्र सचमुच अपना सर्वस्व मुझे दान कर रहे हैं? धर्म इसका साक्षी है। जगत क्या कहेगा? यही कि हरिश्चंद्र ने राजपाट देकर सत्य धर्म का पालन किया। कृपा करके मेरे साथ पधारिए।
प्रजाजन, मैंने अपना राजपाट राजऋषि विश्वामित्र के चरणों में अर्पण कर दिया है। आज से अयोध्या के महाराज राजऋषि विश्वामित्र हैं। महाराज, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, हम अपने महाराज हरिश्चंद्र को नहीं त्याग सकते। परंतु महाराज, इसका कारण? कारण मेरे सत्य धर्म की प्रतिज्ञा। मैं स्वप्न में राजऋषि विश्वामित्र को ये राजपाट दान कर चुका हूँ। फिर आप बताइए कि आपका हरिश्चंद्र सिंहासन की लालसा में सत्य का साथ छोड़ दे, ये आपको अच्छा लगेगा? कहिए, बोलिए बोलिए ना। ये मेरा निश्चय है, मेरी आज्ञा है, मेरी इच्छा है, मेरी विनती है, आप इसका अनादर न करें। पधारिए राजर्षि, अब सबकी सम्मति से ये सिंहासन ग्रहण कीजिए। हंसते मुख तज दिया राज, है देव पुरुष अवतारी, जग को सत्य का पाठ सिखाया, सत्य वचन व्रत धारी। महाराज, अयोध्या के राज सिंहासन की प्रथा है कि नए अधिपति प्रजा के लिए कोई शुभ आज्ञा दे। मेरी पहली आज्ञा यह है कि हरिश्चंद्र अपने पुत्र परिवार के साथ सूर्योदय से पहले अयोध्या की सीमा छोड़कर चले जाएं। नहीं, 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 ये अत्याचार है, ये अनर्थ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राज आज्ञा शिरोधारी। सज्जनों, जिस श्रद्धा और भक्ति से मैं राज आज्ञा को मान रहा हूं, उसी प्रकार आप भी राज आज्ञा का पालन कीजिएगा। इसी में मेरी, आपकी और अयोध्या की शोभा है। आप सबको प्रणाम। ठहरिए राजन, क्या आप ये नहीं जानते कि दक्षिणा दिए बिना दान संपूर्ण नहीं होता? 1,000 स्वर्ण मुद्रा आप राजभंडार से अभी ले सकते हैं। राजभंडार? सर्वस्व दान कर देने के बाद राजभंडार पर आपका कोई अधिकार नहीं रहा। आप ठीक कहते हैं महात्मा, मुझे समय दीजिए, आज के 30वें दिन मैं आपका ये कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, आज के 30वें दिन। केवल 52 सोना के लिए इतनी उदासी क्यों गंगाधर? ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करूं महारानी जी, कन्या का पिता जो कुछ कराए थोड़ा है। मैंने निश्चय कर लिया है, एक बार भीख मांग कर भी 52 सोना उसे दे दूं, फिर वो है और मैं हूँ। हाँ, अच्छा ठहरो दासी जी, भंडारी से कह दो कि गंगाधर को जितना चाहिए उतना सोना राजभंडार से दे दो। नहीं, अब राज भंडार पर हमारा कोई अधिकार नहीं रानी। क्या कहा ना, राज भंडार पर हमारा कोई अधिकार नहीं? क्या कल का सपना इतनी जल्दी सच हो गया? हाँ देवी, स्वप्न में किया हुआ दान आज सचमुच मैंने महाराज विश्वामित्र को दे दिया। राज सिंहासन पर बैठे हुए राजऋषि की यह पहली आज्ञा है कि मैं कुटुंब सहित अयोध्या छोड़कर चला जाऊं। महाराज, आश्चर्य न करो देवी, ब्राह्मण देवता की वाणी सत्य हुई। मैंने महामंत्री से कह दिया है कि वो तुम्हें और रोहित को मिथिला छोड़ आए। सिंहासन दान कर देने वाले अयोध्यापति इतनी कठोर बात कह सकते हैं, पर आप ही बताइए नाथ, पिता के स्तर पर बोझ बनकर रहना मेरे लिए ठीक है
या पति के दुख में भाग लेना उचित है। आने वाले संकटों को सोचकर ही मैंने ये कहा है देवी। नाथ, सत्य धर्म पालन करने के लिए अयोध्यापति जब एक साधारण मनुष्य की तरह संसार में भटक सकते हैं, तब उनकी धर्म पत्नी भी इस कसौटी से कभी नहीं टिक सकती। तारा, आज मैं सत्य धर्म का मोल समझ रहा हूँ। भले ही एक नहीं, 1,00,000 हरिश्चंद्र मिट जाए, पर सत्य का झंडा अमर रहना ही चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा महाराज। नहीं गंगाधर, हमारे साथ साथ प्रजा भी अयोध्या त्याग दे तो इसमें हमारी शोभा नहीं। हाँ देवी, अब राजलक्ष्मी का मुंह त्याग दो। तुम और रोहित ये वस्त्र अलंकार उतार कर यात्रा की तैयारी करो। पर आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। ब्राह्मण देवता ने सत्य कहा था कि राजलक्ष्मी विलीन हो जाएगी। मैं भाग्य देवी हूँ, मुझे भी जाना ही चाहिए। मैं जानता हूँ, राजलक्ष्मी के विलीन होते ही तुम भी रूठ जाओगी। कोई बात नहीं, मैं धर्म के लिए सब कुछ सह लूंगा। आप कौन? मैं धर्म। प्रभु, मैं सब कुछ त्याग सकता हूं पर आपको नहीं छोड़ सकता। प्राण देकर भी मैं धर्म का पालन करूंगा। धन्य हो राजा हरिश्चंद्र, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। प्रभु, चलिए ना। आ गए, चलो। Thank you.
बाद से मुनिराज की आज्ञा का पालन करना। ठहरिए राजन। राजन, सब कुछ दान कर देने पर भी कुमार के पांव में ये अमूल्य, क्या ये राज की वस्तु नहीं है? महाराज, आपका कहना उचित है, पर आपकी आज्ञा का पालन हो चुका। कहाँ है विश्वामित्र? गंगाधर, महाराज विश्वामित्र कहो। ओ, आप यहाँ हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों और किसकी आज्ञा से लाया गया है? मेरी आज्ञा से। कारण? तुम हरिश्चंद्र के मित्र हो। तो है। और मित्र के कर्तव्य से तुम गिर रहे, इसलिए ये उलझी उलझी और गोल मटोल बातें गंगाधर की समझ में नहीं आती। जो कुछ कहना है स्पष्ट कहिए। समझदार भी जान पड़ते हो। तुम्हें हरिश्चंद्र को समझाना चाहिए कि बात बात में तिल का ताड़ बनाना ठीक नहीं। यदि वो अभी भी सत्य वचन का मिथ्याभिमान छोड़ दे, मैं उसे ये राजपाट सौंपने के लिए तैयार हूँ। सोच समझ के बोलिए, ये अयोध्या का राजमहल है, जंगल की पर्ण कुटी नहीं। मेरे महाराज कोई जंगली जोगी नहीं जो घड़ी में कुछ और घड़ी में कुछ। उन्हें समझना सीखिए। चुप रहे मूर्ख, अपनी और अपने राजा की भलाई तक नहीं सोचता और ऊपर से हमारे सामने बोल रहा है। सामने तो क्या, यदि फिर कभी मेरे महाराज को दुवचनी या असत्यवादी बनाने का विचार भी किया तो लेने के देने पर। अरे बाप, अगर तू ब्राह्मण न होता तो मैं तुझे श्राप देकर भस्म कर डालता, परंतु अब तुझे देश निकाले का दंड देता हूँ। धन्यवाद, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराजा हरिश्चंद्र के बिना इस अयोध्या में रहने से तो कहीं अच्छा है कि धधकती चिता में कूद पड़ूं। निकल जा मेरे सामने से। जाते हैं, गला तू फाड़ते हो। इतना घमंड, मैं भी देखता हूं कि अपनी टेक वो कैसे निभाता है। देखो बेटा, अभी हमें काम धंधा मिल जाएगा तो शाम तक भोजन का उपाय भी हो जाएगा। नहीं माँ, मैं ये नहीं खाऊंगा। पिताजी, दान का लड्डू जब आप ही नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकता हूँ पिताजी? अरे हाँ हाँ, दान का लड्डू नहीं खाएगा, बड़ा आया जैसे राजा हरिश्चंद्र का ही बेटा। नहीं लेगा, जाकर सो जा। सुना तारा, ये बात सुनकर ही पेट भर गया। अब ताना देने में भी लोग हरिश्चंद्र का नाम लेते ना। यदि हम लोग कोई चाकरी मजूरी कर ले तो क्या बुरा है? अरे सुना हरिवल्लभ, अयोध्या के राजा ने अपनी बात रखने के लिए सारा राजपाट ही दे दिया। बात का भी क्या मोल है, दानी हो तो ऐसा हो। अरे छोड़, बड़ा आया दानी, ऐसे दान करने लगे तो हमारे बच्चे भूखों मर जाए। ठीक है, हमारा बच्चा भी तो भूख से तड़प रहा है ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कल तक जिनके जीवन पथ में कदम कदम पर बिछते थे फूल, उन्हीं पाँव में पड़े फफोले,
बहे खून चुभते हैं शू। राजेश, अचानक कैसे आना हुआ? मेरी दक्षिणा का कल ही अंतिम दिन है, सोचा कि समय पर आपका वचन याद दिला दूं। आपने जो कुछ किया ठीक किया। आप जब मेरी परीक्षा ही लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, हरिश्चंद्र आपका ऋण चुकाने से पीछे नहीं हटेगा। यदि नहीं चुकाया तो? राजर्षि, हरिश्चंद्र जिस प्रकार सर ऊंचा करके जीना जानता है उसी प्रकार प्रतिष्ठा के साथ मरना भी जानता है। पर आपका ऋण चुकाए बिना मैं मृत्यु के भी अधीन नहीं हूंगा, आप विश्वास रखिए। इसका प्रमाण? प्रमाण? यह परोसा हुआ भोजन। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक आपका ऋण नहीं चुका दूंगा भोजन नहीं करूंगा। ना। तारा, राजर्षि मुझे कसौटी पर रख रहे हैं, कम से कम इन्हें यह तो पता चल जाए कि हरिश्चंद्र के वचन का मोल क्या है। अन्न देवता, मैं भोजन छोड़कर उठ रहा हूं, क्षमा करना। महाराज, अब आप जा सकते हैं, कल प्रातःकाल इसी जगह आपका ऋण चुका दूंगा। हंस हंस करके सहे हजारों दुख न हिम्मत हारी, वचन के खातिर बिकने आए ये तीनों व्रतधारी। तारा, नाथ, सत्य का पालन सदा कठिन होता है। ठीक है, सत्य का पालन सदा कठिन होता है, किंतु अयोध्यापति राजा हरिश्चंद्र आज काशी के बाजार में अपनी प्रिय पत्नी को बेचने के लिए खड़ा है, इसकी कल्पना भी तुम्हें भयंकर नहीं लगती? भयंकर तो लगती है, किंतु आप ही जैसा मनुष्य ऐसा कर भी सकता। मेरी एक विनती है। कहो। पहले मुझे बिकने दीजिए। नहीं तारा, पहले मुझे बिकने दो, हो सकता है मुझे 1,000 स्वर्ण मुद्रा मिल जाए और मैं पत्नी बेचने के महापातक से बच जाऊं। इन लोगों का समय नष्ट न करो भाई, नहीं तो ये सब चले जाएंगे। नहीं भाई, हम इनका समय नष्ट नहीं करेंगे। नगरजनों सुनिए, यदि इस संकट से बचना चाहते हैं तो अभी भी अपना वचन लौटा लीजिए। महाराज, मैं सत्यव्रतधारी आज तो परिवार के साथ सदैव बिक रहा हूं, पर अपने वचन के लिए यदि शरीर का टुकड़ा टुकड़ा बेचना पड़े तो भी मैं पीछे ना हटूंगा। आप देखते रहिए, मैं भी आपका कर्जा चुका देता हूं। नगरजन, मैं कर्जा चुकाने के लिए सपरिवार काशी के बाजार में आज बिकने आया हूं। हमारे धन और हमारी नीति में बाधा ना पड़े ऐसा कोई भी काम करने को हम तैयार हैं, इसलिए जिसे भी ऐसा दास दासी चाहिए वह हमें मोल ले सकता है। बोलो नगरजनों, मैं इस दासी के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हूं। 100 मुद्रा बोलो। हटा। दो 200 मुद्रा बोलो। 300, 400, 400, 600 लग इसी समा। ऐसी सुंदर दासी कहाँ मिलेगी, घरवाली तो प्रसन्न हो जाएगी। 600 इसी समा है कोई? बोलो।
600 मुद्रा एक बार। अब कौन बोल सकता है 600 मुद्रा कोई बच्चों का खेल नहीं, ये तो पंडित दीनानाथ ही दे सकता है। 600 मुद्रा दो बार। अरे दो बार क्या, चार बार क्या, चार दो तीन बार। 600 मुद्रा तीन बार। चलो भाई हो गई बोली, निकालो दाम। तो यहाँ कहाँ देर है, ये लोग तुर्तदान महाकल्याण। तारा ना। मेरा ही अपराध, तुम किस जन्म में क्षमा करोगी? ऐसा ना कहिए ना, पति के प्रतिज्ञा पालन के लिए बिक जाना मेरा सौभाग्य है। रोहित माँ, बेटा माँ, मेरे ना माँ रोहित। तारा तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, मेरा पुण्य और तुम्हारा सती धर्म तुम्हारी रक्षा करे। आपने मुझे मोल ले लिया है, आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी दासी हूँ। जी कृपा करके मेरी एक बात सुनिएगा। अरे एक क्या, 10 सुनूंगा, 15 सुनूंगा, 20 सुनूंगा, कहो कहो। मां मेरे साथ मेरे इस बालक को भी आप मोल ले लीजिए, इससे जो कुछ भी हो सकेगा आपका काम कर देगा और हम दोनों माँ बेटे एक साथ रह सकेंगे। माँ मेरे नाम रो मत, मेरे नाम मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा तो बिना मोल तोल के 100 मुद्रा और देता हूं, ये लो सब मिला के 700 मुद्रा। देवी अब देर ना करो, चलो।
300, 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
इतने से ही मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा। 303 बार 3 बार लीजिए राजऋषि, अब तो मैं आपके ऋण से मुक्त हुआ। प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कौन? ओह महाराज विश्वामित्र, मैं जानता था कि आप अवश्य पधारेंगे। आशीर्वाद। कोरे आशीर्वाद से मुझे क्या लाभ देवता? सचमुच आशीर्वाद देना है तो हरिश्चंद्र को क्यों नहीं समझाते? आप कहें तो वह अपना हट छोड़ सकता है। यह संभव है महाराज, आप अपने एक मिथ्या हट के लिए जगत से सत्य का दीप बुझा देने पर तुले हुए हैं। सत्य का दीप तो तभी बुझ गया जब आपका सत्यवादी एक चांडाल के घर बिक गया। ये तो और अच्छा हुआ, चांडाल का घर भी स्वर्ग बन जाएगा। भगवान को पतित पावन कहा जाता है महाराज, तो आपने मृत्यु लोक के एक तुच्छ मनुष्य को भगवान की श्रेणी में बैठा दिया। जिसके हृदय में सत्य का अवतार होता है वही व्यक्ति भगवान का स्वरूप होता है। मुझे ज्ञान का उपदेश देने की चेष्टा न कीजिए ब्राह्मण देवता। इतने बड़े तपस्वी होकर भी आपने जगत का कल्याण नहीं समझा। हरिश्चंद्र की हार होते ही जगत से सत्य की भावना मिट जाएगी, ये जानते हैं आप? और आप भी ये जानते हैं कि आपका यह सत्य आपको जीवन भर इस कारागार में सड़ाता रहेगा? न मुझे कारागार का भय है न मुक्ति की अभिलाषा। सत्य की विजय होते ही इस कारागार के द्वार अपने आप खुल जाएंगे और उस समय मेरी मुक्ति कोई नहीं रोक सकेगा। ठीक है, देखता हूं ये विजय कैसे होती है। तो अभिमानी मानव, सत्य की महान शक्ति को समझो। सृष्टि का आधार सत्य ही है और ये मत भूलो कि सत्य धर्म को जीवित रखने में भगवान का हाथ रहता है। यहीं खड़े रहो। क्या हुआ, इतना चिल्लाते क्यों हो? अच्छे आए, दिया जलाया है तो उसी के पांव पड़ो। क्योरी, तेरे भगवान को दिन में अंधेरा लगता है जो दिया जलाती है, पूजा में इतना घी बिगाड़ देती है, क्या ये दान में आता है? देख, तेरे लिए चाकर लाया हूँ, आज से पानी भरेगा, कपड़ा धोएगा, स्मशान घाट पर पहरा देगा, सभी काम ये करेगा। अच्छा, किसी भले घर का लगता है। भैया, तुम्हारे जाति क्या है? जाति कैसी माँ, जैसा समय वैसी जाति। अरे अभी से इसे मुंह लगा कर सर पर न बिठा। तुम्हारा नाम क्या है? हरिया। हरिया, वाह नाम तो अच्छा है, हम इसे हरि कह के बुलाएंगे। जाने अनजाने मुंह में भगवान का नाम तो आएगा। तो फिर झूठ मूठ का मान देने लगी। अरे चाकर ढोले और नारी ये सब तारण के अधिकारी। और देख इससे पानी भरवा लेना, मैं अभी आता हूं। आओ आओ आओ, शर्मा नहीं, ऐसे ऐसे भी अपना घर समझो। सुनो,
घर की मालकिन जरा गुस्से वाली है, तुम ख्याल नहीं करना मैं सब ठीक कर लूंगा। हाँ अजय क्या ठीक कर लूंगा? बगीचा बगीचा। घर के लिए दांत लेने गए थे, उसका क्या हुआ? रानी दांत के बदले दाती लाया हूँ। जरा रानी को मुखड़ा बताओ, देखो कितनी सुंदर कितनी शान। बस 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 मैं सब समझ गई, और कुछ कहना है? नहीं नहीं और कुछ नहीं कहना है, तू समझ गई। बस देखो ना दासी के साथ साथ छोटा दांत भी लाया हूँ तुम्हारा सब। अंदर जाओ अंदर जाओ रानी का मानो कहना, मान लो रानी का वरना हाँ उसका गुस्सा बरसते। रानी क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। मैं एक बात कहना चाहता था, ये दासी अच्छे घराने की है, जरा गुस्सा कम करना। तो क्या मैं गुस्सा करती? नहीं नहीं तू गुस्सा नहीं करती, तू तो हर वक्त प्यार करती है, सिर्फ आंखें दिखाती है बात बात पे। लिखी बाँच ना सका आज तक कोई विधना की बानी, हरिश्चंद्र सा राजा देखो भरे नीच घर पानी। जो थी महारानी महलों की वो आज बनी है दासी, मांज रही है बर्तन देखो मुख पर नहीं उदासी, है विधना लीला का तेरी कोई नहीं पा सकता पार, आज चाकरी करता पर घर ये नन्ना सा राजकुमार। नारायण नारायण। महामुनि पधारिए, आज यहाँ कैसे? कल्याण महादेवी, सोचा इधर भी होता चलो, पता तो चले कि मनुष्य जाति के दुख और अपमान का प्रभाव आप लोगों पर भी कुछ होता है या नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं महामुनि, फिर कुछ हो गया क्या? बाकी ही क्या रहा, सत्य के लिए इतना बड़ा राजा हरिश्चंद्र बिकने तक का दुख सहे और देवलोक में आप सब आनंद लूटते रहे, ये कहां का न्याय? देवलोक तो विश्वामित्र को परीक्षा का अवसर दे रहा है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? स्त्री जो ठहरी, इसीलिए तो एक स्त्री को आप बिकते हुए भी देख सकती, इतना भी कोई नहीं सोचता कि परीक्षा राजा हरिश्चंद्र की है या रानी तारामती की। ये बात तो सच है। सच को आप समझती तो स्त्री जाति की रक्षा भी आप ही कर सकती। माना कि देवलोक विश्वामित्र के साथ वचन में बंध गया, पर आप क्यों चुप हैं? क्या आप भी यही चाहती है कि पृथ्वी से सत्य का नाम मिट जाए? ऐसा न कहिए मुनिराज, मैं अभी जाकर भगवान से इसका उत्तर मांगूंगी। शुभस्य शीघ्रम देवी। नारायण नारायण। आओ महादेवी विराजो। रहने दीजिए, संसार में स्त्री जाति का अपमान होते तो आप देख रहे हैं और ऊपर से झूठ मूठ मुझे मान देते हैं। किसकी बात कर रही हो देवी? रानी तारामती की। इसमें हम क्या करें, हरिश्चंद्र को कसौटी पर। कसौटी कसौटी किसकी कसौटी, राजा हरिश्चंद्र की ना कि तारामती की, वो बिचारी क्यों इतना दुख सहन करे? पति के सुख में भाग लेने वाली अर्धांगिनी को पति के दुख में क्या भाग नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, पर यदि कल तारामती की लाज या धर्म लूट जाने का समय आ गया तो क्या तुम उन्हें बचा सकोगी? हाँ प्रभु, मैं यही कहने आई हूँ, एक स्त्री के नाते तारामती की लाज और धर्म बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं उठा रखूंगी। हंसी मत प्रभु, ये स्त्री जाति के मान का प्रश्न है और इसे रखने के लिए मैं देव लोगों की इच्छा को भी ठुकरा दूंगी। वाह, जब तक ये भावना और स्वाभिमान बना रहेगा
तब तक स्त्री जाति के हित की बात भी कोई नहीं सोच सकता। मालिक की आज्ञा है, पहले कोठी में पानी भर दो। हाँ तो मना कौन करता है, पानी भी भर लेना, पेट में अन्न होगा तो काम भी कर सकोगे। चलो कुछ खा लो। चार दिन से भूखा हूँ, कोई दाता हो तो रोटी मिल जाए। नई बात है, चांडाल के द्वार पर भिक्षा मांगते आज ही देखा। भिखारी को भिक्षा देना सबका धर्म है माँ। लो भाई, तुम भूखे हो, अधिकार भी पहले तुम्हारा है। लो ला, ला, ला। चार दिन से भूखा हूँ, बहुत भोजन मिल गया, याचक को अन्न मिले और वो आशीर्वाद दिए बिना ही चला जाए, ये भी नई बात है। धन्य हो प्रभु, कैसा हृदय है, अपने मुंह का ग्रास दूसरे को देना, ये तो महादानी राजा हरिश्चंद्र के राज त्याग दे देने जैसा है। भगवान उनका भला करे। भूख लगी होगी, थाली परोस दो। हरिया कहाँ है? गांव में हरि कीर्तन है, अभी अभी सुनने गया है, बड़ा धर्मात्मा है। बड़ा धर्मात्मा। प्रभु न बिसारियो जी, हरि न बिसारियो जी, प्रभु न बिसारियो जी, हरि न बिसारियो जी। दुख दुख है कबूल की माया, दुख दुख है कबूल की माया।
ओ प्रभु न बिसारियो जी, हरि न बिसारियो जी, प्रभु न बिसारियो जी। जल में सीप सीप में मोती, जल में सीप सीप में मोती, रत्न अमोल बनाया हो, रत्न अमोल बनाया। पार न उसका पाया, प्रभु न बिसारियो जी, हरि न बिसारियो जी। दुख सुख है सब उसकी माया, दुख सुख है सब उसकी माया। दुख सुख है सब उसकी माया, दुख सुख है सब उसकी माया। धरती और आकाश बनाया, धरती और आकाश बनाया, सूरज चांद सितारे हो, सूरज चांद सितारे। कदम कदम पर रंग बदलते, कहीं धूप कहीं छाया, प्रभु न बिसारियो जी, हरि न बिसारियो जी। दुख दुख है कबूल की माया, दुख दुख है कबूल की माया। ओ प्रभु न बिसारियो जी, हरि न बिसारियो जी, प्रभु न बिसारियो जी। दुख दुख है कबूल की माया, दुख दुख है कबूल की माया। जल का रूप बदल बादल कर, जल का रूप बदल बादल कर, गगन बीच पहुंचाया हो, गगन बीच पहुंचाया। जिसकी करनी उसने वैसा ही फल पाया, प्रभु न बिसारियो जी, हरि न बिसारियो जी। सुख सुख है सब उसकी माया, सुख सुख है सब उसकी माया। सुख सुख है सब उसकी माया, सुख सुख है सब उसकी माया। चोरे हरिया, यहाँ क्या हो रहा है? हरी भजन मालिक, हरी भजन मालिक, 300 मुद्रा हम दे और तुम घर के काम काज छोड़ के यहाँ हरी भजन करो, है? धूल 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 के बच्चे, और तुम लोग धूल के बच्चे, भगवान तुम्हें रोटी देगा, है? धूल भी मालिक, धूल। आज हरिया ने पानी क्यों नहीं भरा? पानी भरते भरते तो बेचारा थक गया, पर न जाने क्यों कुछ भर ही न पाई। आज ही कोठी में छेद हो गई थी या कोई आकर पी गया, ये क्यों नहीं बताती कि तुमने मना कर दिया था? जान मार दूंगा। खड़ी क्या देख रही है? ताली पर ये सब क्या है री? न पूरी रोटी न भाजी अभी तक करके नहीं थी। हरिया को पानी भरते भरते मुझे आ गई, बेचारा गिर पड़ा, इसलिए मैं उसे संभालने लग गई। हरिया को पानी भरते भरते मुझे
और तू उसे संभाल नहीं, कुल था गलत नहीं, तू समझती क्या? मैं सब तेरा चाचा समझता हूँ, चाचा क्या सही को जिंदगी नहीं करती, समझती है क्या? मैं तेरा जान मारता दूंगा, सामने से वरना तेरी भी हड्डी पट्टी तोड़ दूंगा, तू की देखभाल कर रही। मैं मालिक स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं, हमारे बीच में बोले तो दांत तोड़ दूंगा, चले यहां से, ये ले कंबल और लाठी, जा स्मशान घाट पर, मुझे आया है समझाने, और देख आधा कफन और सात मुद्रा जब तक नहीं मिले कोई मुर्दा नहीं जलाने पाए। क्या कांधे कमलिया हाथ में लाठी, एक लंगोटी धारी, शूद्र की सेवा करने चला है सत्य वचन व्रत धारी। दासी, जी मालकिन, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक ये सब अनाज पीस कर रखना। अच्छा जी, हाँ। बहरेवा भगवान, बहरेवा भगवान, वहरे वा भगवान, वहरे वा भगवान, कैसी बनाई दुनिया तूने, कैसी बनाई दुनिया तूने, क्या है तुम्हारी शान, वहरे वा भगवान, वहरे वा भगवान, वहरे वा भगवान। अरे विधाता जब चलता है तेरा चक्र विराट, राजा बने पल भर में रंक बने सम्राट, रंक बने सम्राट, बलवानों को निर्बल करता, बलवानों को निर्बल करता, निर्धन को धनवान, वहरे वा भगवान, वहरे वा भगवान, वहरे वा भगवान। कर्मों की रेखा की तूने रच दी अजब कहानी, चक्की पीस रही है देखो महलों की महारानी, सच का साथ नहीं छोड़ूंगी, दुख से मैं नहीं मुड़ूंगी, सच का
क्यों नादान, डरता क्यों नादान, हसत पर सत की बेदी पर देता जा बलिदान, देता जा बलिदान, चाहे जैसे खेल खिलावे है मेरे भगवान। छरको, सेवा करो तो ही मेवा मिलेगा। तुम चाय चाय मत करो जी, मैं सब समझती हूँ। ये ढोंग धतुरा और जादू मेरे सामने नहीं चलेगा। चल उठ, अरे उठ, तू ऐसे नहीं उठेगी। उठ उठ, जरा सा काम दिया तो महारानी को मुझे आ गई। मुझे क्षमा कीजिए मालकिन, मुझे चक्कर आ गया था। मैं अभी आपके साथ काम पूरा कर देती हूँ। चल उठ, उठ जल्दी। हेरोता, तू अभी तक सो रहा है? तेरा बुखार नहीं उतरा अभी? ठहर जा। ये मेरे कपड़े गंगा जी में धोला, तेरा बुखार अभी उतर जाएगा। इन दास दासियों से भगवान बचाए। जरा सा काम किया खाते, जरा सा काम किया बुखार। काम से बचने के लिए कुछ ना कुछ बहाने बनाते ही हैं। माता जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुझे तो बहुत जोर का बुखार आ रहा है, चल तुझे सुना दूं। आ यहाँ सो जा। बहुत दुख है, बहुत दुख है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? क्यों महारानी जी, घर का सारा कामकाज पूरा हो गया जो अपने नन्हे राजकुमार को सुलाने चली आई? नहीं नहीं, इसे बहुत बुखार है, इसे सुलाकर आपका सब काम पूरा कर दूंगी।
काम पूरा कर दूंगी कहते हुए लज्जा नहीं आती? अपने लाल को लोरियां गागा कर सुनाना था तो किसी राजघराने में जन्म लिया होता। राजा के घर जन्म लेने वालों को भी कभी कभी दुख उठाना पड़ता है। चुप रह, मुंह लगने की कोशिश की तो मुंह की खाएगी। चल अपना काम कर। कुछ काम ना हो तो मालिक के पांव दबाने चाहिए। आधी रात से पहले दास दासियों का सोना कैसा? कौन है? मैं तारा। तारा, इस वक्त रात को यहाँ मेरे कमरे में क्यों? क्यों? मालिक की आज्ञा है कि कुछ काम ना हो तो मालिक के पांव दबाना, सोना नहीं। किंतु रानी ने क्या कहा कि मेरे पांव दबाना? मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ मेरी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। मालकन ने ठीक कहा है, कभी कभी मेरे सर से पांव तक दर्द होता है। दर्द हो रहा है? दर्द क्या, बहुत दर्द, बहुत दर्द। जरा दबा दो ना। मालिक, मैं आपसे एक विनती करने आई हूँ। मैं आपकी दासी अवश्य हूँ, किंतु पर पुरुष को छूना स्त्री का धर्म नहीं। आपको अपना वचन याद है? याद, किंतु रात का समय, खाली कमरा, उसमें मैं और तुम दोनों अकेले, दोनों अकेले। तारा, मैं और तुम। सावधान से कुछ नहीं चलेगा, सावधान से कुछ नहीं चलेगा। जरा सोचो, जरा समझो। घर की दासी बनकर रहने से घर की रानी बनकर रहो तो सुख और शांति मिलेगा। मेरी बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ, मान जाओ। देखा आपने ब्राह्मण देवता? देवी का दर्शन करने के लिए सचमुच जोग माया लक्ष्मी का रूप है। जाओ देवी, पधारो। देखो, आज से ये घर का कोई काम नहीं करेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सचमुच लक्ष्मी का रूप है, समझी? कोई काम नहीं करेगी। क्यों, लीला चालू कर दी क्या? जरा अच्छा मुखड़ा देखा और बस पागल हो गए। चलो उठो, उठो। सुबह तेरी खबर लूंगी। क्यों रे चुड़ैल, शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाती है उसी में खेत करने चली है। क्या हुआ मालकन? क्या हुआ मालकन? मना करने पर भी मालिक के कमरे में अकेले क्या करने गई थी? वो भी रात में, अकेले में। क्यों 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 क्या करने गई थी? बोल, क्या करने गई थी? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल, बोल, और बोल। तो कहा था, मैंने कहा था, मैं कहूंगी कुएं में कूद पड़, तो कूद पड़ेगी। बोल। क्षमा कीजिए मालकन, अब ऐसी नहीं होगी, अब ऐसी नहीं होगी, अब ऐसी नहीं होगी। जादू डालकर मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है, मैं तेरा गला घोट दूंगी।
नमस्कार ऋषिराज। नमस्कार महामुनि, आज बहुत खुलकर हंस रहे हैं। हंसो नहीं तो क्या करो, दूसरी सृष्टि रचने वाले विश्वामित्र को एक मनुष्य पर विजय पाने में इतनी देर। हरिश्चंद्र को सत्य से डिगाने के लिए आप आकाश पाताल एक करने लगे हैं ऋषिराज। फिर भी अपने धर्म पद से वो तिल भर नहीं हटता। हंसते हंसते राजपाट छोड़ दिया, अपना परिवार बेच डाला, स्वयं एक चांडाल के घर सेवक बना है, पर उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं। और छिपे रूप में आप वहां भी गए पर आपकी कुछ नहीं चली। वो ब्रह्म वाक्य आप भूल गए हैं ऋषिराज। सत्य धर्म पालन का केवल एक ही वर्ष हजार वर्ष की तपस्या से कहीं बढ़कर होता है। सती इस पर आती है, हरिश्चंद्र को सत्य से जिगाने का आपने प्रण तो ले लिया परंतु उस प्रण को निभाने का मार्ग नहीं ढूंढा। क्या कहा मामुनी? प्रण को निभाने का मार्ग अर्थात हरिश्चंद्र को सत्य से जिगाने का मार्ग, आप ही बताइए ना ऋषिराज। धर्म के लिए लाखों को दुख सहते देखा, हंस हंस के मृत्यु से मिलते हुए कितनों को देखा, परंतु पुत्र की मृत्यु पर आंसू न बहा, ऐसा एक भी पिता आपने देखा? मतलब? मतलब ये कि माता पिता को अपने निश्चय से हटाने के लिए रोहित पर आघात कीजिए। क्या वे पति पत्नी अपने प्यारे बालक की मृत्यु अपनी आंखों से देख सकेंगे? उस समय उन्हें कोई कहे कि एक और तुम्हारा धर्म और दूसरी और तुम्हारे बालक का जीवन, तो वे क्या मांगेंगे? बस महामुनि बस, समझ गया, इतना ही बहुत है, यदि इसमें नारद मुनि की कोई चाल ना हो। नारायण नारायण, इसमें मेरी क्या चाल है ऋषिराज? आपने पूछा और मैंने बताया, हारे हुए को साथ देना यदि चाल कही जाती है तो मेरी बात मेरे पास। रोहित रोहित नारायण। ऋषिराज आज आपने पाताल लोक पवित्र किया। नागराज वासुकी, मैं तुम्हारी सहायता लेने आया हूँ। आप जैसे शक्तिशाली को मेरी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ी? मैंने प्रतिज्ञा की है नागराज, हरिश्चंद्र को अपने सत्य धर्म से विचलित करके संसार में तप की महत्ता स्थापित करूं। अनेक उपाय करने पर भी वो अपने धर्म से नहीं टलता। मैं चाहता हूं कि हरिश्चंद्र अपने निश्चय से डिग जाए, और इसके लिए तुम जाकर उसके पुत्र को डसो। ऋषिराज, जब तक क्रोध का कोई कारण न हो हमारे सर्प जाति किसी को नहीं डस सकती। वासुके, देवराज इंद्र की आज्ञा है कि सभी देवगण मेरी सहायता करें। ऋषिराज, हमारे मुंह में विष अवश्य है, हृदय में नहीं। मैं देवराज का श्राप सहन कर सकता हूँ, किंतु किसी निर्दोष को दस नहीं। मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करो वासुकी, देवराज के श्राप को देर लगेगी किंतु मेरा क्रोध तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। मैं उत्तर चाहता हूँ नागराज, यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो वासुकी पातालपुरी को जलाकर मैं भस्म कर दूंगा। बोलो। क्षमा ऋषिराज, पाताल लोक की रक्षा के लिए मैं उस निर्दोष बालक का प्राण लूंगा, किंतु इस पाप के बदले मुझे क्या मिले? जो मांगो मिलेगा। वचन दीजिए कि रोहित की काया जलकर भस्म होने से पहले यदि हरिश्चंद्र और उसके सत्य धर्म का पतन न हुआ तो आपको अपने तप का घमंड छोड़कर हार माननी होगी और फिर से रोहित को जीवित करना पड़ेगा। स्वीकार है? हाँ स्वीकार है, हरिश्चंद्र को डिगाने का यही मेरा अंतिम प्रयत्न होगा। तो मैं अपना वचन पूरा करूंगा, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। Thank you.
क्या? तुम्हारे लड़के को साथ में रख लिया है। कहाँ है? बगीचे में। रोहित, रोहित, मेरा रोहित, 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 तुझे क्या हो रहा है? बोलता क्यों नहीं रोहित? रोहित, 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 भगवान, ये तुझे क्या सूझा? आज मृत्यु तुझे अपनी भूख मिटाने के लिए मेरा एक लौता बेटा ही मिला। रोहित, रोहित, एक बार बोल, मैं तेरी माँ हूँ। रोहित, एक बार बोल, आंखें खोल रही, बोल रही, मैं तेरी माँ हूँ। रोहित, बोलते नहीं, रोहित, रोहित, बोलते क्या इसी दिन के लिए तूने मेरी कोख से जन्म लिया था? क्या यही भाग लेकर तू भाग घरचाली के घर आया था? मेरे लाल, इतना तो बता कि काल गंगा के किसी किनारे जब कभी तेरे पिता से मेरा मिलाप होगा और वे मुझसे पूछेंगे कि रोहित कहाँ है, तो मैं किस मुंह से उन्हें उत्तर दूंगी? क्या कहूंगी? कैसे समझाऊंगी? रोहित, बोल, एक बार बोल बेटा, रोहित। हे भगवान, हमारे सत्य की ये परीक्षा अपने लाल की चिता अपने ही हाथ से जलानी पड़ेगी, क्या ये ही तेरा न्याय है? बता दे, धरती फट जा आज, अरे ओ गगन अगन बरसा दे, गगन अगन बरसा दे। रोक दे क्रम को अपने, निर्दय भाग्य विधाता, प्यारे पुत्र की चिता जलाने चली बिलकती रोती माता। तू मुझे अकेले छोड़ दे, मैं तुझे दाते कर कैसे जी सकूं? कैसे सकूं? एक अभागी यहाँ क्या कर रही है? देखते नहीं हो, अपने पुत्र को दाह देने आई हूँ। मेरा एक लौता बेटा, नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगी कि मेरा बेटा मर चुका। ये जीवित है? हाँ हाँ, मैं कैसे हूँ, ये जीवित है? जो जा चुका वो लौटने वाला नहीं। इस समय कठोर हृदय होकर भगवान का नाम लो और स्मशान का कर चुका कर उसका अंतिम संस्कार पूरा करो। स्मशान का कर? हाँ, सवा गज कफन और 60 टके। सवा गज कफन और 60 टके मुझ अभागन के पास कैसे आए? ये तुम्हें देखना है, दे सको तो दो, नहीं मुर्दा उठाओ और कहीं और गंगा किनारे ले जाओ। क्या कहा? मुर्दा उठा ले जाओ?
ये कंगाल माँ का बेटा, इसलिए कि मैं तुम्हारा कर नहीं दे सकती। पत्थर का हृदय है तुम्हारा, कफन के एक टुकड़े और 7 टके के लिए मेरे बेटे का दांव भरोसा नहीं होगा। पिछली एक बार फिर चला कर देंगे। ईश्वर, ये क्या किया तूने? तारा, धीरज रखो तारा, जीवन के अच्छे गंभीर समय में साथ रखना चाहिए। अब साथ कहाँ है? मैं अभागिनी आपके पुत्र को नहीं संभाल सकी, अब आप ही इसका अंतिम संस्कार कीजिए। इसका अंतिम संस्कार? इसके अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें यहाँ का कर देना ही होगा। पुत्र है। ठीक है, पुत्र की ममता मुझे अपने कर्तव्य से नहीं गिरा सकती। मैं जानताल का दास, कभी बिना मुर्दा कैसे फूकने तू? किंतु कुछ नहीं, कर्तव्य और धर्म। कर्तव्य और धर्म? तो क्या धर्म इतना निष्ठुर है? निष्ठुर नहीं, कठिन है। तारा, तुम सोचती हो मैं कठोर हो गया हूं, मैं कठोर नहीं हूं तारा। तुम्हारी ये दुर्दशा और अपने पुत्र का मृतक देखकर मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा है, पर मैं लाचार हूं। प्रेम, भय या पराधीनता जैसी कोई भी वस्तु मुझे अपने कर्तव्य से नहीं हटा सकती। जिस धर्म और व्रत को मैंने इतने दुख उठाने पर भी नहीं छोड़ा, उसे तुम कफन के एक टुकड़े के लिए छुड़वाना चाहती हो? नहीं ना, मैं आपका धर्म छुड़वाना नहीं चाहती हूँ। पुत्र के दाह संस्कार के आगे कफन का एक टुकड़ा ही आपका धर्म बचाता है। तो ये लीजिए। और 7 टके? 7 टके कहां से लाओ? तो अग्नि संस्कार नहीं हो सकता। ये कफन लो और मुर्दा उठा ले जाओ। अपने बेटे का मुर्दा उठा ले जाओ? अरे राजकुमार का मुर्दा मशान को भी भारी पड़ा। बस महाराज हरिश्चंद्र, आपके सत्य धर्म पालन के आगे मेरा मस्तक झुक गया है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और अपनी समस्त तपस्या का पुण्य आपके चरणों में अर्पण करता हूं। आज आपकी परीक्षा पूरी हुई। ऋषिराज और बालक रोहित? रोहित, इसको जीवित दान देना मेरा वचन है। नारायण नारायण। उठो रोहित। बेटा, माँ, बेटा, माँ, पिताजी, माँ। बोलो सत्यव्रतधारी महाराज हरिश्चंद्र की जय। धन्य हो भगवान, तुमने हमारी टेक रख ली। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो भगवान। महाराज हरिश्चंद्र धन्य,
बोलो सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय। बोलो सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की जय। महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र। युगो युगो तक गूंजे त्रिभुवन में तेरी जय जयकार। मृत्यु लोक के मानव से भी मानी थी देवों ने हार। कभी न भूलेंगे नर नारी प्रलय हो चाहे बारंबार। हरिश्चंद्र तेरे सत की महिमा युग युग गाएगा संसार।